बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल देसी विलेज फूड्स, और आज की वीडियो में हम एक बिल्कुल देसी रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं जो कि चिकन करी की है। इसको बिल्कुल देसी अंदाज में तैयार किया जाएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हस्ब मामूल आपसे एक रिक्वेस्ट होती है, एक गुजारिश होती है कि अगर आपने हमारा दूसरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पर हम लाते हैं आपके लिए मज़े मज़े की फ़नी वीडियोस जिनको बड़ी मेहनत से तैयार किया जाता है। उस चैनल का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की ये ज़बरदस्त किस्म की लशपश रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चूल्हे में आग जल चुकी है। एक हमने हांडी ली है जिसमें हमने एक कप घी डाल लिया है। घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाए, बाकी की चीज़ें हम बाद में डालेंगे। घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है, अब हम डाल लेते हैं 3 प्याज राफली चॉप किए हुए। प्याज डालने के बाद हम इनको हल्का फ्राई कर लेते हैं। हमारा हल्का फ्राई हो चुका है, अब हम डाल लेते हैं 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अच्छी तरह मिक्स करते हैं और तब तक भून लेते हैं जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और बहुत अच्छी खुशबू नहीं आने लग जाती, तब तक हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छी तरह भुन चुका है, अब हम डाल लेते हैं 3 टमाटर राफली चॉप किए हुए और तब तक भून लेते हैं जब तक टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाते। टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम डाल लेते हैं पाउडर मसाले, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 2 टीस्पून ना कुटा सफेद जीरा। अच्छी तरह मिक्स करते हैं और 2 मिनट तक पॉट भून लेते हैं। पाउडर मसाले हमारे अच्छी तरह भुन चुके हैं, अब हम डाल लेते हैं 2 किलो चिकन। अच्छी तरह मिक्स करते हैं और 20 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेते हैं। जब तक हमारा चिकन भुनता है तब तक हम आपको थोड़ी सी सैर भी करवा देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये है हमारी खूबसूरत भेड़ें।
शेयर करवाने के बाद अब हम आपको रेसिपी की तरफ ले चलते हैं। मिनट तक हमने चिकन की भुनाई कर ली है और हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जी मोहतरम नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमने चिकन करी की रेसिपी को तैयार करके इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही आसान रेसिपी आज हमने बिल्कुल देसी अंदाज़ में तैयार की है। अगर आपको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आए, इसको शेयर और लाइक करें। इसके बारे में अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट्स दें। हमारे चैनल देसी विलेज फूड्स, जो कि आप सबका अपना चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। बेल के बटन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली लजीज और आसान रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आप तक टाइम पे पहुंच सकें। अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रब सोने दे हवाले, रब राखा, अल्लाह हाफिज़।